Pakistan's Tehreek e Insaf chief Imran Khan, they're saying that allegations against 2611 mastermind Hafiz Saeed are yet to be proved. Well, speaking to Headlines, says managing editor Rahul Kamal at Agenda Aaj Tak, Imran Khan reiterated that Saeed will be become as a martyr if he's killed in this current situation. Trust banane ka ek bahut behtar tarika ye hoga ki aap Hafiz Saeed ke khilaf karwai kare. Mumbai ka dehshatgard mastermind Pakistan mein khula ghoomta hai, Lahore mein bayan deta hai, हिंदुस्तान में खून खौलता है लोगों का. जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार इस दहशतगर्द को, इस मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ती. आप क्या करेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए. फिर ये आप कहें, अगर आपके कहने के ऊपर हाफिज सईद को पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप एक फ्रैंकनस्टाइन क्रिएट करेंगे और ज्यादा लोग वो मार्टर बन जाएंगे. तो फ्रैंकनस्टाइन, मेरी बात सुनिए. देखिए, आपको कहना यह चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हम सारे सबूत देंगे, जो भी हमारे पास सबूत हैं, और जो नया पाकिस्तान बनेगा आप कहेंगे हम वहां जाके केस लड़ेंगे सबूत देके अदालत में, और हम कन्विक्ट करवाएंगे उसको. देखिए, अगर आप ये करते हैं तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सदाम हुसैन के और उसके उसामा बिन लादन के केस में फर्क यह था कि सदाम हुसैन को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए सजा दी गई, उसामा बिन लादन को कत्ल किया गया. उसका फर्क यह है कि उसामा बिन लादन कल्ट बन चुका है, और ये आप कल्ट नहीं बनाना चाहते, आप मार्टिर्स नहीं क्रिएट करना चाहते. ये कहना कि चलिए, अगर आप अगर समझते हैं, मैं तो बिलीव करता हूं कि इनोसेंट प्रूवन गिल्टी और अदालत के अंदर ही फैसला करे. नहीं, पर अगर कहा कि सबूत दीजिए, सबूत तो दिया जा चुका है पाकिस्तान की सरकार को, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता. मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में अगर आप सबूत देंगे आप, और मैं आप यह भी आपको कह दूं, कोई पाकिस्तानी मैं नहीं जानता जिसने कंडेम नहीं किया जो मुंबई के अंदर हुआ. सारे पाकिस्तानियों ने अक्रॉस द बोर्ड कंडेम किया. मैं तो रिलीजियस दीनी जमातों की बात करूं, उन्होंने भी कंडेम किया. तो पाकिस्तान भी चाहता है कि जिसने बेकसूर लोगों को मारा और हमने लाइव टीवी पर देखा, उनको सजा मिलनी चाहिए. तो एक मिनट बात सुने. देखें, यह कहना कि आज मैं आपके ऊपर क्वेश्चन पोज करता हूं. हम कहेंगे जी यहां कोई समझौता एक्सप्रेस कोई थी, उसमें कोई लोग मारे गए, कोई लोग मुलव्वस थे. हम कहेंगे जी उनको पकड़ के जेल में डाल दे. आप डाल देंगे उनको जेल में? आप नहीं डालेंगे. आप कहेंगे हमें सबूत दे अदालत में, आप केस करेंगे. तो जब आप ट्रस्ट हो गया, दोनों हुकूमतों के बीच में ट्रस्ट हो गया और हमने फैसला कर लिया कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल किसी टेररिस्ट को नहीं करने देंगे, तो उसके बाद हमारे इंटरेस्ट में होगा कि कन्विक्शन हो. नहीं, पर हफीज सईद तो अभी भी लाहौर में स्पीचेस देता है और वहां पे लोगों को कहता है कि जाओ हिंदुस्तान में लोगों को मारो. ये तो एक आतंकवादी है जो अभी भी लगातार टेररिज्म की बातें करता है. ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, तो खुलेआम हो रहा है. हमारे पाकिस्तान में नहीं होगा ये. आप ये वादा कर रहे हैं? मैं आपको अपना वर्ड दे रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि आगे जो आपने जाना है उसके अंदर ये नफरतों की या पॉलिटिक्स या नफरतों के ऊपर जो कैशन करते हैं लोग, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे.